तो दोस्तों आज को आप लोगों के लिए लेकर एक नई अनबॉक्सिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया स्मार्टफोन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम कीमत में आने वाला ये स्मार्टफोन आप लोगों को देता है 6GB रैम और ये स्मार्टफोन में आप लोगों को काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में आप लोगों को अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो मैं बात जिस फ़ोन की कर रहा हूँ वो है हमारा यहाँ पर टेक्नो की तरफ से स्पार्क 8C। स्मार्टफोन है जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ मिलता है और कीमत भी बहुत ही मिनिमम है। चलिए इस फ़ोन के बारे में जान लेते हैं, आउट ऑफ बॉक्स आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिलता है इस फ़ोन में, साथ ही साथ 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा निकल कर आता है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसकी कुछ से जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर से हम इसको ओपन कर लेते हैं। फोन यहाँ पर निकल कर आ जाता है, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल और ऑसम लगता है ये फ़ोन। आप देख पा रहे होंगे बैक से, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं आप लोगों को क्या चीज़ें मिल जाती हैं आउट ऑफ द बॉक्स। केस मिल जाता है आप लोगों को, इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर केस मिलता है, काफ़ी अच्छा सा सिलिकॉन दिया गया है केस और काफ़ी अच्छा सा इसमें जो कटआउट दिया गया है काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। ये आप लोगों को चार्जर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को माइक्रो USB मिलता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें USB Type-C केबल आप लोगों को नहीं मिलता है। सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस फ़ोन में आप लोगों को पीछे की तरफ रैपरिंग मिलती है, इसको उतार लेते हैं। ये देखिए आगे की तरफ आप लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ोन लगता है देखने में, बैक से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख पा रहे होंगे फ़ोन देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है और डिज़ाइन जो दी गई है वो काफ़ी अच्छी लगती है इसकी। साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो पीछे की तरफ आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मिलती है, मैट सी फिनिशिंग देखने को मिलती है, मैट सी फिनिशिंग मिलती है, काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। यहाँ पर जो ये डिज़ाइन और लिखावट दी गई है ये देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये फ़ोन। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर छोटा सा मिल जाता है और इसमें आप लोगों को यहाँ पर एक कैमरा देखने को मिल जाता है 13 MP का और यहाँ पर AI कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को फ्लैश देखने को मिल जाती है। तो फ़ोन को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया गया, बैक से प्लास्टिक कार्बोनेट मिल जाती है बैक में, साइड में यहाँ पर आप लोगों को पावर बटन मिल जाता है, वैल्यूम रॉकर मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं मिलता है, माइक ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 3.5mm जैक और यहाँ पर आप लोगों को मिलता है एक माइक्रोफोन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस मिलते हैं। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की हैंड फील की बात करें तो काफ़ी बड़ा फ़ोन लगता है देखने में और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। ये खुल चुका है हमारा स्मार्टफोन, काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें दी गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं आँखें बंद कर लेता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों को डेडिकेटेड माइक्रो USB कार्ड दिया गया है, यानी कि आप इसमें 2 SIM लगा सकते हैं और आप एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर इसकी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कि 3GB रैम आप लोगों को मिल रही है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को एंड्रॉयड 11 मिल जाता है। तो एंड्रॉयड 11 होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा स्मूथ चलने वाला है फ़ोन। 5000mAh बैटरी है तो काफ़ी आप लोगों को ये बैकअप देने वाला है फ़ोन। इसमें आप लोगों को जो रैम मैनेजमेंट मिलता है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें जब आप 3GB रैम यूज़ कर रहे होंगे तो जब इसको नीड होगी कि और ज़्यादा रैम को बढ़ाया जाए तो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को 6GB रैम में बदल देगा। 6GB रैम, 3GB रैम 6GB में हो जाएगी, यानी कि वर्चुअल रैम इसमें आप लोगों को मिलती, VRAM का सपोर्ट मिलता है। इस फ़ोन की अगर बात करें UI की तो यहाँ पर आप लोगों को UI काफ़ी अच्छी मिल जाती है देखने में, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है फ़ोन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसकी UI काफ़ी अच्छी मिलती है और इसमें जो 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है वो भी काफ़ी अभी लैग कर रहा है, ऐसा हल्का सा लग रहा है, मुझे लगता है कि ऑटो पर लगा हुआ है। मैं अंदर से खोल कर दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये देख पा रहे होंगे कि ये ऑटो पर लगा हुआ है, इसको मैं आप लोगों का सेट कर देता हूँ 90Hz के रिफ्रेश रेट पर।
ये 90 हर्ट्ज पर सेट हो गया है। अब देखते हैं इसके 90 हर्ट्ज कितनी ज़्यादा फास्ट किस तरीके से चलता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्मूथ चल रहा है, पहले उतना स्मूथ नहीं चल रहा था जितना स्मूथ अब चल रहा है। ये आप लोगों का एक सस्ता बजट वाला स्मार्टफोन है, इस बजट में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना नामुमकिन है, और 6GB रैम हो जाना वो भी नामुमकिन है। जिस रेट में ये फ़ोन आ रहा है उस रेट में आप लोगों को ये चीज़ मिलना तो नामुमकिन है। चाहे इसको मैं खोल लूँ, ये देखिए काफ़ी स्पीड से खुल रहा है, चाहे कोई से भी मैं क्लिक कर दूँ, काफ़ी स्पीड से चीज़ें खुल रही हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन, काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेसर लगा मुझे। अभी इसमें गेमिंग भी करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इसमें प्रोसेसर जो है वो कैसा है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है 1.6GHz का, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोसेसर है। इसका फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है, आप देख पा रहे होंगे मैं लगाता हूँ, काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि ऐसा लगता है कि ये बजट फ़ोन नहीं है, ये थोड़ा सा महंगा फ़ोन है। ऐसा लगता है कि ये 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में लॉन्च हुआ फ़ोन है, लेकिन ये उतनी कीमत में नहीं है। कीमत मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फ़ोटो अपनी पहले खींच कर दिखाता हूँ, सेल्फ़ी लेकर दिखाता हूँ। ये AI कैमरे से हैं, काफ़ी अच्छा कैमरा लगा मुझे इसका, मतलब बजट के हिसाब से काफ़ी बेहतर स्मार्टफोन है ये। डिटेल वाइज आ रही है पिक, आप देख पा रहे होंगे, और स्लो मोशन का भी ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाता है। माइक्रो ऑप्शन इसमें आप लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें माइक्रो का सेंसर नहीं दिया गया है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बैटरी इसकी निकल कर आती है। अभी यूज़ करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसके अब बात करते हैं कि इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी मिलती है। तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन में खेल कर देखते हैं कि गेम की कैसा इसमें चलता है। इसकी सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं सेटिंग कि हमें कैसा यहाँ पर ग्राफिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर HD और हाई पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ओफो, तो मुझे हॉक दिया यार, इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना खेलने का, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कैसे खेला जाता है। चलो ये हॉक दिया गया मेरे हिसाब से, चलो। तो गेमिंग के मामले में काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त फ़ोन निकल कर आता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। इसके अगर वेट की बात करें कि ये कितने ग्राम का आता है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि ये कितने ग्राम का आप लोगों का आता है। 190 ग्राम का ये फ़ोन आता है आप लोगों का, अब देख पा रहे होंगे 190 ग्राम का ये फ़ोन है, काफ़ी हल्का और लाइट वेट फ़ोन है। अब अगर इसके प्राइस की बात करें कि ये फ़ोन कितने रुपए का निकल कर आता है, तो मात्र 8000 रुपए की कीमत में, 8000 रुपीज़ की कीमत में ये आप लोगों को दे रहा है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 6.6 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले, और आप लोगों को एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस रियर से और फ्रंट से भी, साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी और एक अच्छी सी फास्ट चार्जिंग। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आप लोगों को मिल रही, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती, फिंगरप्रिंट सेंसर 8000 में, और क्या लेना चाहोगे यार। इसमें आपको 3GB रैम बढ़ाने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आप इसके 3GB रैम को यूज़ कर लेंगे तो 6GB ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी कि अगर आप कुछ गेमिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर हैवी ड्यूटी वर्क कर रहे हैं तो ये आप ऑटोमेटिक 6GB हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, वर्चुअल रैम से अपडेट हो जाएगी, जिससे कि आपका फ़ोन और भी फास्ट काम करने लगेगा, हैंग और हीटिंग इशू नहीं होने वाला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन निकल कर आता है टेक्नो की तरफ से ये स्मार्टफोन, टेक्नो स्पार्क 8C। अब आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को कितना पसंद आया ये स्मार्टफोन। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।